करते हैं आज का वीडियो, in से ये दूसरा है जो हम इसमें करने जाएंगे आपका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया वो हमने इन डिटेल डिस्कस किया था द थिंकर जी एस गुरिये ठीक है इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल ट्रेडिशन और इनके एसोसिएटेड थिंकर विच इज एम श्रीनिवास तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड सिंपल भी है इजी टू अंडरस्टैंड है ये लेक्चर खत्म होते ही ये हमारा चैप्टर खत्म होते ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में चैप्टर का पीडीएफ अपलोड कर दूंगी ये नितिन सांगवान सर की लेटेस्ट एडिशन से हम पेपर भी कवर कर रहे हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और टेलीग्राम की लिंक दी हुई होगी आपको मेरे ग्रुप की तो वो आपको ज्वाइन करना होगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इस चैप्टर का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा और जैसे हमारा हर चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर वाइज पीडीएफ उस ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगी इन केस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली ये मेरा ई मेल है करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं आपको हेल्प हो रहे हैं इन वीडियो या नहीं हो रही है मैं आपके कॉमेंट्स देखती हूँ पढ़ती हूँ और जितना हो सके उनको रिप्लाई भी करती हूँ तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चरल फंक्शनस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया तो हमने पेपर ए में ये तो पढ़ लिया स्ट्रक्चरल फंक्शनल्ट होता क्या है अब हम इसको अप्लाई करेंगे इंडियन सोसाइटी में और देखेंगे किस थिंकर ने किस हद तक इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा था तो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनस क्या कहता है सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर बना होता है ठीक है यह सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन है अगर उनको हम इंडिविजुअली देखें हर किसी का कोई स्ट्रक्चर बना होता है तो स्ट्रक्चरल फंक्शन का काम है देखने के लिए हर पार्ट जो है उस स्ट्रक्चर का वो कैसे फंक्शनल है फॉर सोसाइटी एज होल फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम को अगर देखें इसके इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है चार कास्ट आपको देखने को मिलती हैं फाइन वो आपको पता है कौन कौन सी है आ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ऊपर वाला पोर्शन विजिबल नहीं है चार कास्ट है ब्राह्म अः क्षेत्रियाज वेशवाजन शूद्रास अब स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या करेगा वो देखेगा ये जो कास्ट स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का हर पार्ट कैसे मेंटेन करता है फंक्शनैलिटी ऑफ द सोसाइटी एज ए होल फंक्शनलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम रादर एज ए होल कैसे ये मेंटेन करता है कास्ट सिस्टम को अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो कास्ट सिस्टम भी आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये बेसिक फंडा होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव का अब देखो इसमें डोंट कंफ्यूज योअर सेल्फ स्ट्रक्चरिज्म क्या होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली ऑल्सो लेकिन उनके बीच में एक स्लाइट सी डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो फंक्शनलिस्ट है उनके लिए यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो इंडिविजुअल है तो उनका सारा जो थियोरीज हुई थी स्टार्टिंग की वो कैसे बिल्ट हुई थी कि सारी चीजें फंक्शनल कैसे है फॉर द इंडिविजुअल ठीक है जिसमें आपके मेलनोस्की का बहुत बड़ा नाम आता है तो इसको हम बॉटम आप अप्रोच भी कहते हैं कि इंडिविजुअल कैसे रिलेटेड है सोसाइटी से वो बातें करते हैं लेकिन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है इनका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो था सोसाइटी था तो ये सोसाइटी के पार्ट्स को सोसाइटी को एनालाइज करते थे तो इनका टॉप डाउन अप्रोच भी इनको बोला जाता है ये एक बेसिक सा स्लाइड सा डिफरेंस है अदरवाइज मेजरली इनको कहीं कहीं आप देखोगे इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जाएगा अदरवाइज डिफरेंस यही है फंक्शनलिज्म का जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल है और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है आपका सोसाइटी तो स्टार्ट करते हैं जो इंडोलॉजी है मैंने आपको कहा उसका काफी उसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि बुक व्यू जनरेट किया था ठीक है तो आम चेयर स्कॉलर्स बोला जाता था उनको कुछ नया उन्हें प्रेजेंट नहीं किया था ऑल तो कुछ डायनामिज्म लाने की कोशिश की थी जीएस एस गुरिये वगैरह ने लेकिन वो मेजरली एक टेक्चुअल अप्रोच ही रह गया था उसको क्वेश्चन किया गया और सोशल साइंटिस्ट एक ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढने लगे तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शन परसपेक्टिव है नाइनटीन में इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है जिसने एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दी इंडियन सोसाइटी की ठीक है इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या था मेन कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना था वेलफेयर स्टेट ठीक है दैट मीन्स आपको वेलफे आपको पॉवर्टी के जो लोग हैं पुअर पीपल हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना था जो ड्राउंड ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी के उनको अपलिफ्ट करना था तो इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट एक मेजर कंसर्न था और उस वेलफेयर स्टेट को इस्टैब्लिश करने के लिए आपको सोसाइटी को समझना था सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना था तो इस वजह से एक सिस्टम एक व्यू जो है वो जनरेट करने की कोशिश की गई सोसाइटी को एज अ सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई ठीक है एमरजेंस ऑफ दिस परपेक्टिव इन इंडिया उसको इस बैक ट्रेज बैक टू द इिशियल सोशलॉजिट जिनको ट्रेनिंग मिली थी अंडर वेस्टर्न प्राइमरीली अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजि वहाँ से वो ट्रेन हुए थे और वो ही वाले कॉन्सेप्टों ने यहाँ पे यूज करने की कोशिश करी थी एमिनसनवाज जो था मैंने कल भी कहा था वो एक स्टूडेंट रहे हैं जी एस गोरिये के भी उनको फर्स्ट मेन इंडियन सोशालॉजिस्ट बोला जाता है जिन्होंने क्या किया वो जो परसपेक्टिव यूज़ करते थे बुक व्यू वाला उसको ख़त्म करके हमारे पास क्या लेके आए फील्ड व्यू ठीक है तो वो फर्स्ट इंडियन सोशलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टमैटिकली यूज़ दिस पर्सपेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वो इम्प्रेस नहीं थे अमेरिकन फंक्शनलिज्म से क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन जो थी और बाकी जो अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे वो कहते थे ये अमेरिकन वैल्यूज यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन मैंने आपको कल भी कहा था अमेरिकन फाउंडेशन जो वेलफेयर के लिए काम करती है ठीक है उससे वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे तो

उन्होंने फील्ड स्टडी करी कोर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट नाम है कोर्गस ऑफ साउथ इंडिया टू जनरेट अ फंक्शनल एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी तो उनको क्या चाहिए था एक फंक्शनल एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग एम्पेरिकल इसीलिए क्योंकि वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फील्ड व्यू जो है वो ही रिजॉर्टेड टू फील्ड व्यू एंड वो फंक्शनल थियोरीज प्रेजेंट कर रहे थे फाइन अपार्ट फ्रॉम श्रीनिवास आप ऐसी दुबे का नाम भी सुनोगे यूज फील्ड स्टडीज टू कॉम्प्लीमेंट दिस परस्पेक्टिव ड्यूरिंग हिज न्यूमरस विलेज स्टडीज जो अब देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ने इंडियन सोसाइटी को कैसे पढ़ने की कोशिश करी ठीक है तो उसका एप्लीकेशन इंडियन सोसाइटी में कैसे हुआ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है दे एम्ड टू स्टडी द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देर वर्किंग इन द सोसाइटी इन अ होलिस्टिक मैनर होलिस्टिक मैनर मीन्स वो एज फंक्शनल होल स्टडी करते थे कि हर पार्ट ओवरऑल सिस्टम को कैसे मेंटेन करता है ठीक है ओवरऑल सिस्टम की मेंटेनेंस कैसे होती है स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर के हर पार्ट से तो वो उनका बेसिक फंडा था फॉर एग्जाम्पल एम जो है एम एनवस उन्होंने स्टडी किया ऑफ उन्होंने एथनोग्राफिक अकाउंट दिया कॉर्क सोसाइटी का उसके साथ ही उन्होंने होलिस्टिक पिक्चर ऑफ सॉलिडी एमंग रिलीजन फैमिली एट्सिट्रा जो है वो ड्रॉ की दैट मीन्स उन्होंने कोर्स को एज़ फंक्शनल होल पढ़ा अगर उन्हें कोर्स के किसी एक आस्पेक्ट कोर्स की कोई रियालिटी को अगर उन्हें स्टडी किया कोई एक आस्पेक्ट स्टडी किया तो उसको उन्होंने यूज़ किया बताने के लिए कि ओवरऑल जो कस्टम्स बिलीफ रिलीजन फैमिली है वो कैसे मेंटेन रहता है कोर्कस में इसको बोलते हैं किसी चीज़ को स्टडी करना एज फंक्शनल होल दैट मीन्स वो जो पार्ट है वो ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कैसे मैंटेन करता है मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्जिस्टिंग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क वॉज टेकन इन टू फील्ड अकाउंटीड जो उन्होंने यूज किया था जो स्ट्रक्चरल फंक्शन परस्पेक्टिव है अटेम्प्टेड टू डेवलप एंड इंटरप्रटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल फिनोमिना इन फंक्शनल टर्म्स विद इन अ लार्जर सोशल कॉन्टेक्स ठीक है अगर पता नहीं आपको समझ में आ रही है ये वाली बात की नहीं मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ फिर से हम एक बात पढ़ते हैं ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शंस पर्सपेक्टिव है अटेम्प्टेड टू डेवलप इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना फंक्शनल टर्म्स में विद इन अ लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट मींस एक चीज़ कैसे ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए फंक्शनल है वो आपको देखना है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको कार की एग्जाम्पल देती हूँ अगर आप कार को स्टडी कर रहे हो एस एफ परस्पेक्टिव से यो स्ट्रक्चरल फंक्शन पर्स्पेक्टिव तो आप इंजन को स्टडी करोगे फॉर एग्जाम्पल आप स्टेयरिंग uh, को स्टडी करोगे आप गेयर्स को स्टडी करोगे ठीक है और क्या होता है इसमें आप टायर्स व्हील्स को स्टडी करोगे अब आप इनको इंडिविजुअल स्टडी नहीं करोगे आप देखोगे जो ये इंजन है कार का ये कैसे मेंटेन करता है कार की फंक्शनिंग एज अ होल को इंजन कितना जरूरी है कार को काम कराने के लिए व्हील्स कितने जरूरी है कार को रन कराने के लिए ठीक है गेयर्स कितने जरूरी है कार को रन कराने के लिए यही मतलब होता है कि एक फिनिना आप पढ़ते हो बाद में उसको एज फंक्शनल होल देखते हो कि वो फिनोमिना कितना

प्रेजेंट उस पर भी थोड़ी अपनी रोशनी डाली थी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन परसपेक्टिव है इट ट्राई टू ब्रे ब्रेक द मोल्ड ऑफ ए टाइम लेस एंड अनचेंजिंग सोसाइटी एंड द इन द डायनेजिकल स्टडीज इंडोलॉजिकल स्टडीज ने क्या कहा था स्टैटिक है आइसोलेटेड है ठीक है सेल्फ सफिशियंट है ऑर्थोडॉक्स है तो इन्होंने इस चीज को ब्रेक करने की कोशिश की और इसमें जो डायनेमिज्म की जरूरत थी कि ऐसा नहीं है अनचेंजिंग है डायनेमिक सोसाइटी है इसमें भी चेंजेस आ रही हैं उसके लिए इन्होंने अलग अलग जो है प्रोसेस हमें बताए थे जो हम आगे देखने वाले हैं कैसे में सोसायटी की इनशियली जो स्ट्रक्चरल फंक्शन दे वर कंफाइड टू एंथ्रोपोलॉजिकल बट नाइन सिक्स में जो फोकस था प्योरली फिनिना और इंस्टीट्यूशंस पे फ्रॉम ए प्योरली स्ट्रक्चरल फंक्शन पर्सपेक्टिव तो पहले एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू था जिसमें सिर्फ फील्ड स्टडीज वगैरह कंडक्ट करते थे बाद में उसको प्योरली एस एफ परसपेक्टिव से उन्होंने देखना शुरू किया विच इज योर स्ट्रक्चरल फंक्शनस पर्सपेक्टिव ठीक है तो उन्होंने क्या कहा कास्ट सिस्टम को सिर्फ एक कल्चर एंगल से नहीं देखा जो किसका मेन आइडिया था गुरिये का इन्होंने उसको चेंजिंग स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा कि इंस्टीट्यूशंस में कैसे करके चेंजेस आ रही हैं फाइन अनलाइक स्ट्रक्चरल परपेक्टिव ऑफ़ द वेस्टर्न स्कॉलर्स लाइक पार्सनस एंड मर्टन जो इंडियन वर्जन है वो डायल्यूटेड था वो प्योर uh, उस स्ट्रक्चरल फंक्शन परसपेक्टिव आप उसको नहीं बोल सकते हो इसलिए काफ़ी क्रिटिसिजम भी उसको फेस करनी पड़ी इट लैक प्योरिटी इन इट्स एप्लीकेशन ओविंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर परस्पेक्टिव क्योंकि इतने सारे पर्पेक्टिव इसमें मिले हुए थे देखो एम एन सी श्रीनवास मैम हर जगह फील्ड स्टडी की बात करते हैं फील्ड व्यू की बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके अप्रोच में भी हमें बुक व्यू अभी भी देखने को मिलता था ठीक है वो इससे पूरे अलग नहीं हुए थे तो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो इज क्वाइट मार्क् इन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स तो इस वजह से कल्चरल इन्फ्लुएंस जो था उनकी स्टडीज में काफ़ी प्रेजेंट था और वो वैल्यू वैल्यू अकोमोडेटिंग मैंने कहा वो वैल्यू अकोमोडेटिंग अप्रोच कहते थे कंप्लीटली वैल्यू न्यूट्रलिटी पॉसिबल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए ये एम एन श्रीनवास ने कहा था ड्राई प्रोफेशनल कमिटमेंट जो है वो मेन्टेन करने के लिए आप स्टडीज uh, के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते खासकर वेन यार्टार्टिंग इंडियन सोसाइटी ये भी हमने कल डिस्कस करा था तो इसीलिए uh, जो मैं लेक्चर पढ़ाती हूँ कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट उसमें कोई उसका आइडिया कोई व्यू uh, पॉइंट उसका ठीक है या कॉन्सेप्ट उसका तो इसीलिए आप रिवाइज़ किया करें और जो हैं साथ साथ देखा करें दिस पर इग्नोर कॉन्फ्लिक्ट को इसने इग्नोर किया पर्टिकुलरली लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट जो इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट में अगर आप कास्ट को फंक्शनल परसपेक्टिव में देखोगे लेकिन उसका मिलेगा आप उसको कितने पॉइंट पर क्रिटिसाइज कर सकोगे तो उस चीजों को इन्होंने इग्नोर किया सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट उनका डिस्फंक्शन बी है वो डिस्पाइट देयर परसिस्टेंट हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस give plausible explanations for long term existence of उनने कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि इतने टाइम से ऐसे इंस्टीट्यूशन क्यों चल रहे हैं कास्ट जैसे डिस्पाइट दिय डिसफंक्शन रोल ठीक है उस श्रीनिवास को क्रिटिसाइज किया जाता है अपर कास्ट वैल्यूज होल्ड करने के लिए थ्रू इस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट संस्क्रेटाइजेशन वो कैसे वो आपको संस्क्रटाइजेशन की क्रिटिसिज्म में देखने को मिलेगा और स्टेटस को भी इनको क्रिटिसाइज किया जाता है बेसिकली इन्होंने क्या बोला जो स्टेटस चल रहा है सोसाइटी में उसी को ही इन्होंने री इम्फेसाइज करने की कोशिश की कि हाँ वो स्टेटस मेंटेन इनकी थ्योरी से वो स्टेटस मेंटेन ही रहा उसमें कोई चेंजेस लाने की इन्होंने खास बात नहीं

थ्रू हिज पाथ ब्रेकिंग वर्कस ऑन कोर्ग कॉल्ड कोड आवाज ऑफ माइसोर ये कोर्ग्स ऑफ माइसोर जो है ये आप याद रख लेना क्योंकि जहां भी आपको एम एन श्रीनिवास के बारे में आंसर लिखने को आएगा तो इस स्टडी का नाम कहीं ना कहीं आपका एक कंटेंट जो है उसमें एक फॉर्मेशन का रोल प्ले करेगा एक होलिस्टिक स्टडी थी कॉर्क सोसाइटी की होलिस्टिक स्टडी मींस फंक्शनल होल एज फंक्शनल होल स्टडी किया था अगर एक पार्ट को स्टडी किया है दैट मींस सिर्फ उस पार्ट को स्टडी नहीं किया है वो पार्ट कैसे फंक्शनल है फॉर द ओवरऑल सोसाइटी वो देखा था एंड ये एनालाइज हाउ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सोलडारिटी ऑफ कॉर्क सोसाइटी ठीक है ये जो मैंने अभी आपको बोला उनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की तरह उनने कोई ग्रैंड थ्योरीज नहीं ड्रॉ की वो पहले ऐसे सोशियलॉजिस्ट थे जिन्हें पर्सपेक्टिव अपना जो था वो कम्पलीटली कोशिश की थी डिविएट करने के लिए फ्रॉम अ प्योरली इंडोलॉजिकल व्यू ठीक है उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था चैलेंज करना प्रिवेलिंग जो डोमिनेंट पैराडाइम था दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी फ्रॉम अ प्योरली टेक्चल पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इसी पॉइंट को दोबारा रिपीट किया है एंड इन दिस प्रोसेस उन्होंने हमें कोई नए फ्रेमवर्क दिए फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था इसके अलग अलग थिंकर्स uh, से उसका उन्होंने ये लिया था इंस्पायर uh, हुए थे रैडक्लिप ब्राउन से इवन स्प्रिचर्ड से ठीक है अंडर होम ही हिज सोशियोलॉजी ट्रेनिंग इन ब्रिटेन ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है आप देख सकते हो अमेरिकन वगैरह के वो क्रिटिकल थे उनको वो पसंद नहीं था कहते वो प्रमोट करते हैं अमेरिकन वैल्यूज ठीक है इन द गार्ब ऑफ मेकिंग सोशलॉजी या साइंटिफिक डिसिप्लिन उनने ब्लेंड किया थियोरिटिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को एम्पेरिकल वर्क के साथ फील्ड वर्क के साथ एंड एज अ रिजल्ट उनने स्टडी किया स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ सोसाइटी लाइक विलेजेस एज फंक्शनल होल्स अगेन वही स्टेटमेंट यहाँ रिपीट की गई है बार बार आप जहाँ भी फंक्शनल होल या किसी चीज़ को होलिस्टिक uh, मैनर में देखोगे तो उसका यही मतलब है uh, कार की एग्जाम्पल वो दिमाग में रख लें ठीक है

ठीक है किसी एक सिस्टम की तरह जिसके काफी पार्ट्स होंगे और पार्ट्स आपस में कैसे काम करेंगे वो डिराइव हुआ था उनका माइक्रो स्टडीज से स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से उन जिनको उन्होंने स्टडी करा था उन्हें स्टडी किया था इंडियन सोसाइटी को कैसे इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ रिलेशन सोशल इंस्टीट्यूशन और उनकी वर्किंग इन द सोसाइटी इन अ होलिस्टिक मैनर कार की एग्जाम्पल श्रीनिवास इंटरप्रिटेट इंटरप्रेटेड पर्टिकुलर सोशल फिनोमिन लाइक कास्ट फैमिली रिलेशन उसको फंक्शनल टर्म्स में विद इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसायटी ये चीजें कैसे फंक्शनल है फॉर दी सोसाइटी एज अ होल स्टडी ऑफ ही डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल यूनिटी और डेवलप की थी इंटरप्रिटेशन इन द ऑफ वेरियस रिचुअल्स फॉलोड ठीक है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल यूनिटी है अगर आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल यूनिटी हमने पेपर ए में पढ़ा है खासकर मर्टन में हमने इसको डिस्कस किया था फंक्शनल यूनिटी अगर हम किसी भी सिस्टम की पढ़ते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल रिलीजन की फंक्शनल यूनिटी इसका मतलब होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिलीजन है डिफरेंट कॉन्स्टिटुंट यूनिट्स हैं जिनसे रिलीजन बना होता है उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए ताकि रिलीजन जो एज ए होल सर्वाइव कर सके अब डिफरेंट कॉन्स्टिटुएंट यूनिट्स के हैं फॉर एग्जाम्पल रिलीजन में क्या आता है प्रेयर्स होती हैं कुछ ठीक है आपके प्रीस्ट होते हैं रिलीजन में चर्च आता है टेक्स्ट है कोई बिलीफ या वैल्यूज है इन सब के बीच में यूनिटी होनी चाहिए ताकि रिलीजन एज ए होल सर्वाइव कर सके अगर रिलीजन टेक्स्ट कुछ और बोल रहा है चर्च कुछ और बोल रहा है प्रीस्ट कुछ

एम्फेसाइज अपॉन दी कल्चरल चेंजेस लीडिंग टू चेंज इन दी इंडियन सोसाइटी तो किस पे एम्फिसाइज किया उन्होंने ज्यादा कल्चरल चेंजेस पर कैसे वो इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लाती है तो जो वो स्टैटिक व्यू जनरेट किया था इंडोलॉजिकल व्यू से उसको ब्रेक करने की कोशिश की उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट जी वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृटाइजेशन जैसे वो हमें आगे पढ़ने हैं उनके और इंपॉर्टेंट वर्क में एक आता है द रिम्बर्ड विज

इन हज स्टडी ऑफ विलेज रामपुरा एंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ संस्क्रिटाइजेशन उनके कोर्ग्स ऑफ माइसूर में वे इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट इन हज स्टडीज ठीक है तो जो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट था विलेज रामपुरा में जो ने पढ़ा था और संस्क्रिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो काफी इंपॉर्टेंट था उनके स्टडीज uh, में ठीक है दोनों कास्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक डोमिनेंट एंड आपका संस्क्रटाइजेशन तो ये हमें पढ़ने हैं आगे हमें कास्ट सिस्टम चैप्टर ही पढ़ना है उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे डोमिनेंट कास्ट वगैरह क्या होते हैं वो संस्क्रिटाइजेशन का हम थोड़ा अभी देख लेंगे uh, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कास्ट की इट वाज प्राइमरीली ड्रिवन फ्रॉम हिज न्यूमरस फील्ड स्टडीज क्योंकि उन्हें काफी फील्ड स्टडीज की थी एथनोग्राफिकल अकाउंट जो है अपनी स्टडीज का उन्होंने दिया था उन्होंने कंबाइन किया था थेरी विद प्रैक्टिस क्यों कहीं ना कहीं टेक्चुअल व्यू था इंडोलॉजिकल अब इंडोलॉजिकल नहीं अगर टेक्चुअल व्यू या पॉइंट यूज़ करो वो थेरी थी और उसके बाद उन्होंने फील्ड वर्क लिया था जैसे रिमेम्बर्ड विलेज में उन्होंने इलेवन मंथ स्पेंड किए थे कर्नाटका विलेज में तो वहां जाके उन्हें टाइम वेस्ट तो नहीं किया होगा ना फील्ड वर्क ऑब्जर्व किया होगा कोर्क्स में जाके अगर स्टडी किया तो कोर्क्स वहां पर गए माइसोर में उनको स्टडी करने के लिए तो उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिस को कंबाइन किया उन्होंने देखा हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट हैड सम इंडोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑल्सो लेकिन मोर ऑरिएटेड था टूवर्डर्स ऑपरेशनल आस्पेक्ट्स तो जहाँ इन्होंने कास्ट की बात की वहाँ पर जो थियोरटिकल व्यू है कास्ट का जैसे चार कास्ट हैं वो सारी चीज़ें और कोई एक डोमिनेंट कास्ट है तो उसको उन्होंने नेगेट नहीं किया उसी को उन्होंने उस पर उन्हें बिल्ड किया एक प्रैक्टिकल व्यू इसीलिए बोला जाता है कंबाइन करते हैं थ्योरी को विद प्रैक्टिस उनका जो कॉन्सेप्ट था सन्सक्रटाइजेशन का डोमिन कास्ट का वोट बैंक एसेट्रा का वो हमें प्रैक्टिकल व्यू देता है इंडियन सोसाइटी का विथ रेटिकल शिफ्ट फ्रॉम दी अर्लियर प्योर अर्लियर प्योर इंडोलॉजिकल व्यू उन्होंने इंडियन टाइप विलेज को देखा एज अ प्रोटोटाइप ऑफ इंडियन सोसाइटी या माइक्रोकम ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट मीनस ये अगर इंडियन विलेज है इसके ही चीजों को आप जनरल करो अगर थोड़ा जनरल एप्लीकेशन दो आपको एक व्यू मिलेगा पूरा इंडियन सोसाइटी का दैट मीनस जो ये है ये इसी का एक अक्स है ऐसे आपको समझ में आएगा इंडियन विलेज जो है वो इंडियन सोसाइटी का एक अक्स है तो विलेज को समझने के लिए आप अक्स इन द सेंस छवि है उसकी इमेज है तो सोसाइटी को समझने के लिए अगर आप विलेज को समझोगे आप योर वर्क विल बी डन उन्हें रिजेक्ट किया कॉलोनियल नोशन ऑफ सेल्फ सफिशंसी वगैरह जो उन्होंने ये अब सीसो करके याद रख लेना स्टैटिक आइसोलेटेड ऑर्थोडॉक्स जो जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे ही कंसिडर फैमिली एंड जजमानी सिस्टम सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलेज एंड कास्ट ठीक है जजमानी वगैरह हमें आगे पढ़ना है थोड़ा बता देती हूँ इसमें एक जजमान होता है एंड एक कामिन होता है कामिन होता है उसको सर्विंग कास्ट बोलते हैं कामिन जो सर्व करता है जजमान कास्ट को या उसको यजमान भी बोला जाता है यजमान महोदय अगर आपने पुरानी पिक्चर में नाम सुना होगा तो इनको सर्व कर, जैसे यहाँ पे बार बार आ गए ठीक है बार बार है या वॉशरमैन है जो घर आके कपड़े वगैरह धोता है दो भी हो गया और कोई ऐसी सर्विंग कास्ट होगी जो सर्व करते हैं इन कास्ट को ये फिर इन रिटर्न इनको पे करते थे कैश या काइंड में ठीक है काइंड काइंडली ग्रेन्स वगैरह इनको देने को मिलते थे तो ये आपका थोड़ा जजमानी सिस्टम का ये है बाद में हम इन डिटेल ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में तो अभी अगर मैं कोई चीज छोड़ रही हूँ उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम आगे सारी चीजें जो है वो रिपीट होती रहेंगी तो ये आ गया इसका ये मैंने क्यों बार बार एक्सप्लेन किया थियोरी विद प्रैक्टिस एक दो बारी मैंने आपको ये चीज़ें बोली क्योंकि मेरे आई हैव कम अक्रॉस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एम एन श्रीनिवास या तो कहीं मॉडल क्वेश्चन में था या पीवाई क्यूज में था तो वहां पे पॉइंट लिखा हुआ था कि हाउ ही कंबाइंड थियोरी विद प्रैक्टिस तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो इन्होंने विलेज और विलेज स्टडीज के बारे में कुछ कहा अकॉर्डिंग टू हिम जो विलेजेस है वो फोकल पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए इंडियन सोसाइटी माइक्रोकॉजम ठीक है छवि उसकी या अक्स उसका उन्हें रिफ्यूट किए कल्चरल थियरिस्ट लाइक डुमो जिन्होंने कास्ट को सिर्फ देखा था फोकस कर, इसको दिस शुड बी फोकस्ड अपॉन टू तो अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी डुमो ने एक बुक हम दी थी हमें जिसका नाम है होमो हरैरकस ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट आया था प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कल मैंने डिस्कस किया था और बाइनरी कास्ट वगैरह का तो उन्हें कहा था कास्ट पे फोकस करो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए वो उसको उन्हें रिफ्यूट किया था उन्हें विलेजेस को भी स्टडी किया कास्ट को भी स्टडी किया अलग अलग चीज़ों को स्टडी किया था मिन श्रीनिवास ने तो टू प्रॉन्ग अप्रोच थी इन स्टडिंग विलेजेज थ्रू फील्ड स्टडीज एंड हिस्टोरिकल एनालिसज अकॉर्डिंग टू हिम जो एथनोग्राफिक अकाउंट है विलेजेस का वो नेसेसरी था स्टडी करने के लिए विलेजेस को एट द सेम टाइम उन्हें हिस्टोरिकल एनालिसिस टू काउंटर दी आर्गूमेंट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो विलेज हैं वो अनचेंजिंग यूनिट ऑफ सेल्फ सफिशेंसी है उन्हें कहा विलेज प्रोवाइड एड� अ कॉमन यूनिफाइंग आइडेंटिटी

तो इंटरडिपेंडेंस है ठीक है दैट स्टैटिक अनचेंजिंग सोसाइटी नहीं नहीं है नहीं है सेल्फ तो उसको हिस्टोरिकली भी एनालाइज किया कुछ चीजों को एंड देन एथनोग्राफिकल अकाउंट भी दिया विलेजेस को इसमें भी आप ये पॉइंट लगा सकते हो वो थियोरी एंड प्रैक्टिस के कॉम्बिनेशन वाला ठीक है आगे देखते हैं दो कॉन्सेप्ट्स इनके जो हमें पढ़ने हैं आज संस्कृटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक है थीके? यहाँ पे श्रीनिवास ने एक रेडिकल परस्पेक्टिव दिया इस नेशनल डिसिप्लिन को इन इंडियन फ्री सोशलॉजी फ्रॉम द मूरिंग्स ऑफ इंडो फिलोसोफिकल सोसाइटीज़ एक बडिंग डिसिप्लिन थी जो अभी बन ही रही थी इंडिया में इसको ने अलग किया इंडोलॉजिकल स्टडीज से थ्रू इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इम्पेरिकल एम्पेरिकल बेसिस टू न्यू डिसिप्लिन लेकिन क्रिटिसाइज़ भी किया गया वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म वॉज कि उनका जो फोकस था वो रिमेंड ऑन कम्युनिटी एंड कास्ट और उन्होंने बिल्कुल छोटी सी चीज़ को जैसे मैंने कहा माइक्रोकॉजम बताया तो एक दो चीज़ें बढ़ के पढ़ के उसको इंडियन सोसाइटी का एक इमेज पूरी उससे डेवलप करने की कोशिश की उन्हें कोई मैक्रो अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी की नहीं थी इन अ वे दैट वॉज डेवलप्ड बाई अदर वेस्टर्न फंक्शन फ्रॉम होम ही लर्न फंक्शनल परसपेक्टिव तो प्योरली फंक्शनल परपेक्टिव जो है उनका अप्रोच उसको नहीं कहा जा सकता है उनका जो मेथडोलॉजी था फोकसिंग ऑन अ सिंगल विलेज मेड हिज एम्पेरिकल स्टडीज नैरो एंड ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप एक गाँव को पढ़ रहे हो और फिर इंडियन सोसाइटी को आप उससे रिलेट कर रहे हो तो इतना इंसाफ ही हुई ना जो उन्होंने करने की कोशिश करी तो संस्कृताइजेशन क्या होता है पहले मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हम पढ़ते हैं संस्कृताइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो लो कास्ट है देखो जो लो कास्ट है सो कॉल्ड सो कॉल्ड लो कास्ट उनको एकेज बोला जाता है ठीक है और जो हाई कास्ट है उनको द्विज बोला जाता है संदेवच D W I J फाइन तो सन्स्क्राइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो एक्ज है जो लो कास्ट है वो कॉपी करने की कोशिश करता है कस्टम्स को रिचुअल बिलीफ आइडियोलॉजी को किसके हाई कास्ट के ताकि उसमें सोशल मोबिलिटी आ जाए अगर एक जनरेशन आज थोड़ी चेंजेस खुद में लाने की कोशिश करेगी कॉपी करने की खुद को कोशिश करेगी हाई कास्ट ब्राह्मण से ठीक है तो वो जनरेशन चाहे ना लेकिन दूसरी तीसरी जनरेशन में आहिस्ता आहिस्ता उनको वो काइंड ऑफ मोबिलिटी मिलेगी और वो अपलिफ्ट होकर एक हाई कास्ट में जो है उनकी वो भर्ती हो जाएंगे ठीक है तो इमिटेट करना लाइफ किसका हाई कास्ट का सांस्कृतिक कास्ट का वो उसको उन्होंने बोला अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल व्यू एम एन इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द यूनिक वोकेबुलरी जो उन्होंने दी संस्क्रिटाइजेशन उसमें से एक जो है टर्म था द तो प्रोसेस बाई विच ए लो कास्ट और ट्राइब और ग्रुप टेक्स ओवर दी कस्टम्स रिचुअल्स बिलीफ आइडियोलॉजी स्टाइल्स ऑफ लाइफ ऑफ अ हाई एंड एंड पर्टिक्यूलर ट्वाइस बॉर्न द विच कास्ट ठीक है इस कास्ट की वो क्या करते हैं सारी जो है कॉपी करने की कस्टम्स रिचुअल बिलीफ आइडियोलॉजी एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ उन्हें संजेशन को इंडोजिनियस बोला मैंने आपको पहले भी चेंजेस बोली थी दो तरीके की होती हैं जिनका ओरिजिन एक्सटर्नल हो वो एक्सोजिनियस होती है और जिनका ओरिजिन इंटरनल हो वो इंडोजिनस होती है उन्होंने कहा संस्क्रटाइजेशन को देखा इन द फॉर्म ऑफ प्रोस ऑफ कल्चर एंड सोशल मोबिलिटी इन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी ठीक है अब आपको इसे ये बात याद रखनी है ये एक कल्चरल चेंज थी ना कि स्ट्रक्चरल चेंज थी स्ट्रक्चरल चेंज दैट मीन्स ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ब्राह्मण क्षेत्रियास इसमें कोई चेंज नहीं आई है बस कल्चर लेवल पे कोई चीजें बिलीव कस्टम्स वगैरह चेंज करने की कोशिश की जा रही है कल्चर लेवल पे ओवरऑल जो और इसी स्ट्रक्चर के अंडर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है ठीक है दैट मीन्स जो बड़ी लेवल की चेंजेस है स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो नहीं आ रही है सिर्फ कल्चर लेवल पे एक पोजिशनल चेंज जो है वो देखने को मिल रही है उन्होंने कहा था संस्कटाइजेशन जो है प्रोस ऑफ कल्चरल सोशल मोबिलिटी है इसीलिए उसको कल्चरल सोशल मोबिलिटी बोला जाता है और ना कि स्ट्रक्चरल चेंज विच इज स्पेसिफिक टू इंडियन सोसाइटी लाइक बट एंड विच हैड एग्जिस्टेड इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ़ कॉलोनियलिज्म के पहले भी एक्जिस्ट करता था सोसाइट्स एम एन श्रीनवास ने कहा था जो लोअर कास्ट है इन ऑर्डर टू रेज ए पोजिशन इन द लो कास्ट हायर आर की एडोप्ट ब्राह्मनिकल कस्टम्स एंड गेव अप सम ऑफ देयर ओन ठीक है उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की और अपना उन्होंने छोड़ दिया विच वंसिडर्ड एज इम्प्योर बाय द हायर कास्ट जैसे मीट ईट करना ठीक है या लिकर कंज्यूम करना वो सारी चीज़ें छोड़ते गए फॉर इंस्टेंस दे गेव अप मीट ईटिंग अल्कोहल कंजम्पन वगैरह उन्होंने इमिटेट किया ब्राह्मन को इन मैटर ऑफ ड्रेस

इसमें थोड़ी चेंजेस आने लगी और श्रीनिवास ने इस प्रोसेस को अप्लाई किया टू अदर कम्युनिटीज लाइक ट्राइब्स वगैरह तो इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन को रिप्लेस किया थ्रू विद संस्क्रिटाइजेशन संस्क्रिटाइजेशन जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ब्राह्मणाइजेशन से इन मेनी केसेस जो हायर कास्ट है वो ब्राह्मण सिर्फ नहीं होते थे वो क्षेत्रियाज वेशवास या हायर शूद्रास भी हो सकते थे इन वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री तो जैसे ब्राह्मण को रिप्लेस करते गए बाकी मॉडल्स बाकी कास्ट तो वैसे ही इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन को एक छोटा ये था प्रोसेस उसको रिप्लेस किया एक बड़ी प्रोसेस है दैट इज योर यजेशन दस इवन डी एंड इवन ट्राइबलाइजेशन अकर्स जहां पे नॉन ब्राह्मन एंड ट्राइब्स जो है आर द डोमिनेंट ग्रुप्स ठीक है अगर आपके ब्राह्मण्स के अलावा भी कोई डोमिनेंट ग्रुप और किसी को फॉलो कर रहा है तो उसको डी डिसंस्क्रिटाइजेशन भी इन्होंने बोला अकॉर्ड टू श्रीनवाज द इमोस मेनी फोल्ड ऑन इंडियन सोसाइटी अब यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है संस्क्रटाइजेशन के वो हम देखेंगे पहला संस्क्रिटाइजेशन सजेस्ट लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना स्टेटसाइफ स्टाइल कास्ट नेम्स एंड कस्टम्स ऑफ कल्चर हाई प्लेस्ड ग्रुप रेफरेंस ग्रुप इज यूजली फाइनेंशियली बेटर ऑफ एज वेल ठीक है संस्क्रटाइजेशन जो है मेनली टेक प्लेस विद इन द हिंदू स्पेस दो इनको किसी और रिलीजन में भी देखा गया है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टोटल जो तो चार कास्ट है उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आती है पोजिशन ऑफ कंसर्न ग्रुप या एक हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस जो लोगों में आता है वेन दे कम इन टू कॉन्टेक्ट विद्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज ठीक है इन एरियाज जहाँ पे हाईली संस्क्राइज हाईली संस्क्रिटाइज कास्ट वॉज डोमिनंट जो कल्चर ऑफ द एंटायर रीजन अंडर वेंट अ सर्टन डिग्री ऑफ संस्क्रिटाइजेशन जहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट वॉर डोमिनंट इन दैट केस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन संस्कृतिक कास्ट वॉज हायर जहाँ पे अब संस्क्रिटाइज कास्ट हो गए आपके ब्राह्मण जी जैसे ये वहाँ पे डोमिनेंट थे तो संस्क्रटाइजेशन होने लगी और वहाँ पे संस्कृतिक कास्ट जो थी वो डोमिनेंट थी जहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट डोमिनेंट थी वहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट जो है वो स्ट्रॉंगर थी तो लोग उनके रिचुअल्स को इमिटेट करने की कोशिश करते थे इसको हमने प्रोसेस ऑफ़ भी कहा था only, कोई नहीं आती इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस जो है इट वॉज मेनी फोल्ड इसने क्या बताया इट व्यूड एक सेकेंड हमें देखते हमको पुराना जो विजिबल था इट व्यूड

इसमें बेसिकली दो चीजें हो गई देर टू लेवल्स ऑफ मीनिंग आर पहली हिस्टोरिकल स्पेसिफिक कि वो प्रोसेस से टू इन हिस्ट्री जिसमें चेंजेस आई वेरियस कास्ट में ये इंडिकेटिव है एक इंडिजिनस सोर्स ऑफ चेंज का इन द ब्रॉड हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया ठीक है तो हिस्टोरिकल चेंजेस कुछ आ गई वेरियस कास्ट में तो वो इसका एक उस तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हो सेकेंड इज कंटेक्चुअल स्पेसिफिक केस सेंस डिनोट्स प्रोसेस ऑफ ऑफ कल्चरल इमिटेशन अपर कास्ट कास्ट लोअर ठीक है तो आज के कंटेक्स में आप इसको देख सकते हो और हिस्टोरिकली आप इसको एनालाइज कर सकते हो जो कंसेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन है ये लैंडमार्क है इन द सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रेश कॉन्सेप्ट था वो सारी चीजें ठीक है बाद में डी एन मजुमदार ने कहा रिवर्स रिवर्साइजेशन भी हो रही है डी सेंसिटाइजेशन मेनी अपर कास्ट जो है वो अपने लाइफ स्टाइल छोड़ देते हैं फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी पंडित इन ब्राह्मण इन हरियाणा इन पंजाब ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना अपर कास्ट लाइफ स्टाइल जो है वो छोड़ा है इसको एग्जाजरेट किया था सोशल मोबिलिटी एंड स्कोप फॉर लोअर कास्ट टू मूव अप द सोशल लैडर कि इसने एग्जाजरेट किया था सोशल मोबिलिटी को बट इतनी सोशल मोबिलिटी आसान नहीं है इंडियन सोसाइटी में इट लीड्स टू नो स्ट्रक्चरल चेंज तो इतना इस पर डिस्कस करना फालतू है क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही रह रहा है एंड देन इसने क्या किया था री इन्फोर्स किया था लो कास्ट लो कास्ट को एज इन्फीरियर क्योंकि आप बोल रहे हो अपनी कास्ट आपने छोड़ी और दूसरे को आपने दूसरे के लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया दैट मींस जो जिस चीज़ ने जिस लोग ने जिस ग्रुप ने अपनी कास्ट छोड़ी दैट मीन्स उस ग्रुप को आप बोल रहे हो कि वो इन्फीरियर थे तो आप री इन्फोर्स कर रहे हो कास्ट आइडियोलॉजी को देयर फोर टू बी एबल टू लुक डाउन ऑन सम ग्रुप्स जस्ट लाइक द अपर कास्ट लुक डाउन ऑन द लो कास्ट इज डीम्ड एज अ मार्क ऑफ प्रिविलेज ठीक है वेरी वर्थ ऑफ द लेबर विच लोअर कास्ट डूज डिग्रेडेड एंडिविटीज एंड शेम फुल क्योंकि हर कोई संस्क्रटाइजेशन चाहता है इसने ये भी आर्ग्यू किया संस्क्रटाइजेशन कि जो है उससे क्या हुआ इवल डोमिनट कास्ट जो है वो लोअर कास्ट में भी आ गए फॉर एग्जाम्पल लोअर कास्ट में डॉवरी का उतना ये नहीं था रोल जितना हाई कास्ट में था वमेन जो है वो काम करते थे पर्दा सिस्टम उनको पर्दा वगैरह ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता था लेकिन हाई कास्ट में ये सब चीजें होती थी तो वो भी जो इवेंट्स है वो कहाँ पे आ गए उनके लोअर क्लास जो हाई कास्ट के जो इवेंट्स थे वो लो कास्ट में आ गए सन्सिटाइजेशन जो यूनिफॉर्म फिनमिला नहीं है एंड डेंट एक्सप्लेन ऑल द कल्चरल चेंजेस जैसे पंजाब में इस्लामाइजेशन हो रही थी ठीक है हेरोल्ड गोल्ड ने कहा सन्सकटाइजेशन जो है कैम है फॉर द लेटेंट इंटर कास्ट एंड इंटर क्लास कॉम्पिटिशन फॉर द इकोनॉमिक और सोशल पावर तो ये कल्चर नहीं है लेकिन सोशो इकोनॉमिक तो ये कुछ पॉइंट के जिसमें आपको इनका भी देखने को मिल जाएगा ठीक संस्क्रिटाइजेशन जो है एज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी इसमें अभी इस हेज लॉस इज शीन क्योंकि अभी दलित कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी की बात हो रही है हम अभी एसोसिएट करना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी से चाहे वो सो so कॉल्ड लो कास्ट को ही हम बिलोंग क्यों ना करते हो लेकिन वी आर प्राउड ऑफ इट तो हम हमें आज बेनिफिट्स चाहिए इस चीज़ के ठीक है रिजर्वेशन पॉलिसीज आती हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा खुद को एसोसिएट करना चाहते हो अपनी ही आइडेंटिटी से और वेस्टर्नाइजेशन ने रिप्लेस किया संस्क्रटाइजेशन को डेमोक्रेटिक पॉलिटी अमंग अदर फैक्टर्स दे आर नाउ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिक्स एंड सोशो इकनोमिक प्रोसेस टू एसर्ट देर ओन आइडेंटिटी रादर देन इमिटेटिंग द्वेज तो इसीलिए एज अ होल ये प्रोसेस जो है इतना ज्यादा ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है कि इतना ज्यादा ये अभी अपीलिंग नहीं है मास के लिए लास्ट टॉपिक है आए गए वेस्टर्नाइजेशन पहले देखती हूँ कितना बड़ा टॉपिक है हाँ। लास्ट टॉपिक है इनका वेस्टर्नाइजेशन ये भी हम जल्दी से देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमें आ बस जो हमारा लास्ट इसका थिंकर है वो डिस्कस करना है वेस्टर्नाइजेशन होता है जब आप वेस्ट के स्टाइल्स को कॉपी करते हो संस्कृटाइजेशन को आप रिप्लेस करोस्ट वेस्टर्नाइजेशन से वहां पे आप किसको दिव्यज को कॉपी कर रहे हो सांस्कृतिक कास्ट को कॉपी कर रहे हो और यहाँ पे आप जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वेस्टर्न लाइफ है उनको कॉपी कर रहे हो ठीक है बस यही डिफरेंस है इसमें सिर्फ उन्होंने कहा ये हाईलाइटेड अ प्रोसेस ऑफ कल्चर चेंज और इंडिया अंडर वैंड ड्यूरिंग द कलोनियल रूल वाइल्ड सेंसिटाइजेशन रिफ्लेक्टेड इंटरनल डायनामिक्स जो वेस्टर्नाइजेशन थे ये रिफ्लेक्टेड एक्सटर्नल इन्फ्लुएं तो इसको एक्सोजनस भी बोल सकते हो क्योंकि बाहर की आडियोलॉजी आई थी उसमें क्या हो रहा था सन्सटाइजेशन uh, में अंदर की आइडियोलॉजीज में चेंज आ रही थी ठीक है तो वेस्टर्नाइजेशन जो है ये सिंगल होमोजेनस प्रोसेस नहीं है श्रीनिवास ने इसको क्लासिफाई किया थ्री टाइप्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन पहली होगी प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन ठीक है और सेकेंड होगी आपकी सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन एंड थर्ड वन इज जो टर्सरी वेस्टर्नाइजेशन तो प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन होता है जब कोई एक क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग वो आते हैं इन कॉन्टेक्ट विद वेस्ट उनकी वेस्टर्न आइडियोलॉजी के साथ वेस्टर्न आइडियोलॉजी तो एक सब कल्चर डेवलप हो जाता है एक सब कल्चर ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जैसे हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी देखा होगा पहले कुछ लोग जो हैं जो फॉरेन कंट्रीज में गए ठीक है वहाँ से उन्होंने स्टडीज वगैरह हासिल की और वो थोड़ा इन कॉन्टैक्ट आ गए वेस्टर्न ट्रेडिशन के साथ फिर सेकेंडरी में क्या हुआ वो सेक्शन ऑफ पीपल जो है दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन ठीक अब वो सेक्शन ऑफ पीपल कौन से जो यहाँ के लोग थे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी दे केम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दी वो लोग जो जिनकी प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन हो गई थी जिनको उसे फायदा मिल रहा था तो सेकंड में क्या हो गया पहले में आपके कुछ लोग थे इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप हो गई वो लोग जो फॉरन चले गए पढ़ने वगैरह के लिए सेकेंड जो पॉपुलेशन थी इन लोगों के कॉन्टेक्ट में आ गई थर्ड इज जब क्या हो गया ये थोड़ा मास बन गया ये प्रोसेस ठीक है इसका आप बोल सकते हो डिफ्यूजन या ये स्प्रेड होने लगा यही आइडियोलॉजी ठीक है वो आपका टर्शी वेस्टर्नाइजेशन था तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस था ऐसे नहीं था एकदम से सोसाइटी में आ गए और सारे सारे वेस्टर्न बन गए पहले कुछ एक सबकल्चर डेवलप हो गया क्योंकि कुछ लोग जो थे फॉरेन जाके उन्होंने पढ़ाई वगैरह की वहाँ से जब आए उनका कॉन्टैक्ट थोड़े बड़े ग्रुप से होने लगा तो थोड़ा फैलने लगे टर्श्री में जनरल स्प्रेड हो गया मासज तक के जो वेस्टर्नाइजेशन की आइडियोलॉजी है वो पहुंचना शुरू हो गई वेस्टर्नाइजेशन इनवॉल्व इमिटेशन द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ कल्चर इट शुड बी नोटेड दैट नॉट नेसेसरी मीन कि लोग मॉडर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इक्वालिटी वगैरह ये भी अडॉप्ट करें वो सारा पार्ट आपका मॉडर्नाइजेशन में आता है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होता है जब आपका आउटलुक साइंटिफिक हो जाता है साइंटिफिक और रैशनल हो रहे हो आप तो वेस्टर्नाइजेशन में वो चीज़ें नहीं आती हैं कि आप इक्वालिटी इगैलिटेरियन रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी वो सारी चीजें अडॉप्ट करो अभी आप सिर्फ लाइफ स्टाइल कल्चर वगैरह अडॉप्ट कर रहे हो वेस्ट का ठीक है कंटेंटेड की मॉडर्नाइजेशन प्री सपोजेज रैशनैलिटी ऑफ गोल्स विच इन अल्टीमेट एनालिसिस कुड नॉट भी टेकन फॉर ग्रांटेड सिंस ह्यूमन एंड आर बेस्ड ऑन वैल्यूज ठीक बाई वेस्टनाइजेशन उनका मतलब था ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसायटी हेंस वेस्टर्नाइजेशन इज मोर वैल्यू लोडेड दैन द टर्म मॉडर्नाइजेशन इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेस्टर्नाइजेशन में ज्यादा वैल्यूज आएंगी क्योंकि अभी आप ब्रिटिश के जो कल्चर है उनकी आइडियोलॉजी है बिलीफ वैल्यूज वो कॉपी कर रहे हो उनका जो साइंटिफिक रैशनल आउटलुक है वो आप कॉपी नहीं कर रहे हो वो होता है आप मॉडर्न हो रहे हो जब हम ब्लाइंडली वेस्ट को कॉपी करते हैं ना जैसे उनके कपड़े हो गए उनका रहन सहन हो गया उठना बैठना हो गया आप इसका ये मतलब नहीं आप मॉडर्न हो रहे हो आप वेस्टर्न हो रहे हो आप मॉडर्न तब हो जाओगे जब आपकी सोच में चेंज आएगी आपका साइंटिफिक रैशनल लॉजिकल आउटलुक बनना शुरू हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने कहा वेस्टर्नाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो एज वेस्टर्न इम्पैक्ट बॉट अ न्यू ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ठीक है इट ले टू द ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सलिस्टिक लीगल सुपर स्ट्रक्चर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ये सारी चीजें किसने कही है किसने चेंजेस किसने लाई थी वेस्टर्नाइजेशन ने योगेंद्र सिंह ने कहा था इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन कैन बी सीन इन मल्टीपल्स फेयर इट ऑल्सो लेड टू अज ऑफ इंस्टीट्यून रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया सोशल रिफॉर्म्स इंड इंडिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन राइज ऑफ नैशनलिजम न्यू पोलिटिकल कल्चर लीडरशिप इन द कंट्री आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइेशन वेस्टर्नाइजेशन के साथ आते आते मॉडर्नाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हो गया और ये सारी चीज़ें जो है इसका इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ा वेस्टर्नाइजेशन लेट टू द रैनलाइजेशन ऑफ द रिचुअल फेयर टू अर्टन एक्सटेंट स्पेशली हिंदू सोसाइटी में जहाँ सती वगैरह और चाइल्ड मैरिज अभी भी थी तो वेस्टर्न के कॉन्सेप्ट में आने के बाद थोड़ा उनका जो रिचुअल्स फेयर था वो रैशनल होने लगा इंडियन सोसाइटी का जैसे एज ऑफ कंजेंट वगैरह और विटोरी मैरिज गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन इसको थोड़ा प्रमोशन मिला क्योंकि जो रिचुअल्स फेयर इन चीज़ों को नहीं आने देता था आगे अब वेस्टर्नाइजेशन से क्या हो गया रिचुअली जो इंडियन सोसाइटी है थोड़ी रैशनल होने लगी तो यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्क्रिटाइजेशन का थोड़ा मिला के लिखा हुआ है क्या है उनका कंपैरिजन वगैरह ये सिंपल सी बातें हैं विद सब एग्जांपल्स ये आप देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी अपार्ट फ्रॉम अफेक्टिंग वेज ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग वेस्टर्नाइजेशन ने आर्किटेक्चर लिटरेचर पे भी काफी इम्पैक्ट डाल कुछ नाम है जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे ठीक है जो इंस्पायर्ड थे मॉडर्न आर्ट से या वेस्टर्न एलिमेंट्स इन द इंडियन आर्ट फॉर्म्स वेस्टर्नाइजेशन जो थे इससे जो ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम था वो खत्म हो गया गुरु शिष्ट ट्रेडिशन और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आने लगी ब्राह्मन ने काफी फायदा और बाकी जो हाई कास्ट है वो दे वर द फर्स्ट वन टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस ठीक है

जिसमें मर्चेंट्स वगैरह एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स सामने आते थे और कुछ रूल्स रेगुलेशन अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाते थे तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल था इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आज चलती हैं उनका तो वो भी ऐसे ऐसा खत्म होने लगा और आपके न्यू इंस्टीट्यूशन अराइव होने लगे ठीक वेस्टर्नाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म एंड लॉन्चिंग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एज आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी सेल्फ डिटर्मिनेशन एटसेट्रा गेंड ग्राउंड अमंग द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें भी ऑन ग्राउंड पॉसिबल होने लगी अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास जो डेवलपमेंट है कम्युनिकेशन मीडिया की इसने क्या किया संस्क्रटाइजेशन को उन एरियाज में लिया जहाँ पहले वो इनएक्सेबल थे तो जहाँ पे ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा है एक तो आप वेस्टर्न Western, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हो बाद में जो डेवलप हो रहा है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से कम्युनिकेशन मीडिया वो आपको पुराने जो प्रोसेस हैं संस्क्रिटाइजेशन जैसे उनको पुरानी जगहों पर ले रहे हैं जहां पे अर्लियर वो इनएक्सेबल थे दैट मीस वहां परटाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे ठीक है दस वेस्टर्नाइजेशन कंसिडरबली हेल्प इन द स्प्रेड rate of sensitization as well with adoption of faster communication channels some social thinkers are also the view that westernization is responsible for the rise of nationalism and launching of the freedom movement so, not, I mean, to hum abhi confused nahi hona maine aapko bola modernization hai ye westernization hai basically hua kya aisa to nahi hai na westernization hua aapne adopt kiya lifestyle wagera aur ruk gaye ठीक है वेस्टर्नाइजेशन के बाद changes आती गई gradual ग्रेजुअल चेंज और ये सारी जो changes हैं ये आपको indicate कर रही है that we are moving towards मॉडर्नाइजेशन ठीक है जो वेस्टर्नाइजेशन है दे क्रिएटेड स्कोप फॉर स्पेशल मोबिलिटी ठीक है एंड सोशल नेटवर्किंग एज इट हेल्प इन ब्रेकिंग मेनी कल्चरल नोशन विच इनहेबिटेड मॉडर्न थॉट्स थ्रू मॉडर्न थॉट्स अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी तो जोग्राफिकल मोबिलिटी सोशल नेटवर्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होगी वेस्टर्नाइजेशन से ये हेल्प इंडियंस टू लॉन्च रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश क्योंकि जो वेस्टर्नाइजेशन के साथ साथ ही आपकी जो डेवलपमेंट हो गई वो ट्रेन वगैरह चलना शुरू हो गई रेलवेज में इम्प्रूवमेंट हो गई तो आइडियाज़ कैरी करना ईजी हो गया तो कहीं ना कहीं फ्रीडम मूवमेंट को भी इन चीज़ों से बूस्ट मिला विद द एडवेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया ठीक है यदि आपने हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी द वेरी वैल्यूज दट द ब्रिटिश यूज टू एक्सप्लोइ इंडियंस उसको यूज़ किया था उन्होंने टू टर्न द टाइड टू टर्न द टाइड ऑफ टाइम अगेंस्ट देम लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं जो वेस्टर्नाइजेशन है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे एज कम्पेयर टू फ्यू पॉजिटिव विच इफेक्ट्स इट हैड इट लेड टू द प्रोस ऑफ कल्चर एंड कग्नेटिव कॉलोनलिज्म ठीक है कॉलोनलिज्म आपके मेंटल इसमें भी आ रहा है इंटेलेक्ट में एंड आपके कल्चर में भी कॉलोनियलिज्म आ रहा है ठीक है अभी देखो उसका रिजल्ट आपको अभी भी देखने को मिलेगा अब हम अंडर कॉलोनियल रूल नहीं है लेकिन अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को कितना हम ये समझते हैं ना कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो अब बड़ा ही सही बंदा होगा इंटेलिजेंट होगा हम सब कुछ रिलेट करते हैं उससे तो बेसिकली क्या डिपेंड करता है कि जो कॉलोनियलिज्म है वो हमारा कॉग्निटिव भी हो गया है एंटर एंड हमारे कल्चर में भी एंटर हो गया है इसीलिए वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना वेस्टर्न चीजों को वेस्टर्न हैबिट्स को प्रमोट करना इतना उसको सोसाइटी में जो

नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्स सोशोलॉजी इन और उसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे